हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। अगर आप एक किसान परिवार से हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो किसान भाइयों के लिए है। जी हाँ, राजस्थान में इस समय किसान भाई का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और वजह है टिड्डी दल, क्योंकि ये गुजरात की सीमा से राजस्थान में घुसे थे, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से हवाओं के साथ में आ गए हैं। टिड्डी दल वो होता है जिससे कीड़े मकोड़ों की तरह छोटे छोटे एक प्रकार का जीव है, जो कि फसल को पूरा बर्बाद कर देता है। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा आपका जो खेत होता है वो ख़त्म कर देता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो सरकार तक पहुंच जाए और सरकार किसानों को जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिल सके। अगर आप राजस्थान से हैं और किसान परिवार से हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आइए शुरू करते हैं। एक किसान का सपना होता है कि जब वो फसल बोता है तो उसे बड़ा करने में कई प्रकार की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। आखिर जब वो फसल बड़ी हो जाएगी तो वो बड़े बड़े सपने देखता है कि जैसे ही फसल बड़ी होगी तो वो बाज़ार में बेचेगा और पैसे से अपना घर चलाएगा। लेकिन इस बार उन्हें कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर उनको जो पूरे खेत हैं, जो चाचौर क्षेत्र है जालौर के, खासकर बाड़मेर सीमा, जैसलमेर सीमा, वहाँ पर पूरे खेत एकदम खाली हो गए हैं। जी हाँ, वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो रहता है वहाँ पर भी उनकी नहीं छिली और टिड्डी दल ने पूरा खेत का सफाया कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। गुजरात की सीमा में गया टिड्डी दल हवा के साथ में वापस गुरुवार को चासोर में प्रवेश कर गया। शुक्रवार को क्षेत्र के कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया गया है। टिड्डी दल शुक्रवार को पूरे दिन किसानों की फसल चट करता गया, लेकिन इसको काबू करने के लिए टिड्डी नियंत्रण दल सिर्फ हड्डियों को देखते ही रहे। ऐसे में पूरे दिन में टिड्डियों ने हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल को खा लिया। हालांकि टिड्डियों ने अपनी खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए किसान जरूर प्रयास कर नजर आए। किसान ने जो अपने से खुद हुआ वो अपने खेतों को बचाने में जुटे हुए नजर आए। किसानों ने पूरे दिन पानी के फवारा, बर्तन बजाकर, आग जलाकर टिड्डियों से बचने का प्रयास किया गया। शुक्रवार को टिड्डी सहाचौर शहर के आसपास दर्जन घर गाँवों में किसानों की खड़ी फसल को चट कर पूरा खेत खाली कर दिया गया है। शुक्रवार शाम को टिड्डियों ने अंतिम पड़ाव आमली, पालड़ी, सीतेश्वर सरद में डाला है। प्रशासन का ये अनुमान है कि कम से कम जो फसल है वो 60% नुकसान हो चुका है। शुक्रवार को टिड्डियों द्वारा किए गए हमले में काफ़ी मात्रा में किसान को नुकसान पहुंचा है। वहाँ के जो 60% जो फसल रहती है वो ख़त्म हो गई है, और चासौर के आसपास गाँवों के पूरे खेत खाली हो गए हैं। 50% से ज़्यादा खेत खाली हो चुके हैं, और इस समय पूरे नज़र सरकार की उस पर जरूर बनी हुई है। लेकिन शुक्रवार को पूरे दिन टीटीएस गांव में हमला बोलते हुए फसल को खाती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मौजूद नियंत्रक के लिए जो टीमें बनाई गई थी, 7 टीमें, उसकी पोल खुल गई। पूरे दिन टीम स्प्रे करने में नाकाम रही। ऐसे में किसान अपने स्तर पर टिड्डी को दल से बचाव करने का जतन करते दिखे। सुबह से शाम तक पूरा चाचौर क्षेत्र धुएं के आगोश में छा गया, क्योंकि किसानों ने अपने खेतों में टिड्डी से बचाव के लिए टायर समेत कई प्रकार की वस्तु जलाकर धुआं किया। साथ ही टिड्डी से बचने के लिए किसानों ने खेतों में वाहन को पूरे दिन चालू रखा एवं बर्तनों को जोर जोर से बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया और खुद धुआं भी किया। चासौर शहर के ऊपर से टिड्डी दल का झुंड निकला हुआ दिखाई दिया। जिले में टिड्डी दल पूरी तरह से कहर बरसा रहा है एवं सितलवाना के नहर क्षेत्र के बाद चासौर उपखंड क्षेत्र में टिड्डियों के किसानों की हजार एक्टर को फसलों को खा लिया है। इसके लिए उन्हें काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह लापरवाही बरत रहा है। किसानों का आरोप है कि टिड्डी पर प्रशासन द्वारा समय रहते स्प्रे नहीं कर पा रही है, जिससे किसानों के खेत खाली हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों की तत्काल सहायता व टिड्डी से बचाव के उपाय बजाय प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बीमा करवाने की सलाह देकर जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जिससे किसानों में अमल के खिलाफ काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। और टिड्डी दल के जो टीमें बनाई गई हैं उन्होंने किसान को आश्वासन दिया है कि शनिवार सुबह तक हम इस पर काबू कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कब तक जो नियंत्रण टीम बनाई गई है वो इसको काबू करती है और किसानों को फसल बचा पाती है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेंगी। आप किस शहर से हैं, कहाँ आपके इधर टिड्डी दल का कितना नुकसान हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे।